प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है ऑनलाइन डिजिटल लर्निंग में। तो पिछले कल हमने कंप्यूटर की कुछ एक बेसिक सी चीजों के बारे में सीखा था, ठीक है, कि डेस्कटॉप क्या होता है, टास्क बार क्या होती है, ठीक है, यानी कि ये डेस्कटॉप क्या होता है, ये टास्क बार क्या करती है, ठीक है, प्रोग्राम हम कहाँ से चलाते हैं, और ये सारे के सारे प्रोग्राम जो है वो कंप्यूटर में इस डिस पीसी के अंदर कहाँ पे स्टोर होते हैं, ना, ये मेमोरी है, ये होती है मेमोरी जहाँ पे हमारे सारे के सारे प्रोग्राम जो है वो स्टोर होते हैं, ठीक है। इस ड्राइव के अंदर सारे प्रोग्राम को हम स्टोर करके रखते हैं, ठीक है, सी के अंदर। कंप्यूटर में एक चीज जो आप लोग शायद थोड़ा बहुत जानते होंगे कि रैम, ठीक है, रैम और रोम, ठीक है। तो रैम का काम होता है यहाँ से प्रोग्राम को उठाना और उस प्रोग्राम को उठाकर हमें इस डिस्प्ले के ऊपर दिखाना, स्क्रीन के ऊपर। अच्छा, चलो पूरी चीज समझा देता हूं मैं आपको। हमारे कंप्यूटर में ये जो हमारा दिस पीसी है, यहाँ पे हमें प्रॉपर्टीज में जाकर चेक कर सकते हैं कि हमारे कंप्यूटर में कितनी रैम है। ये देखो, ये है हमारी रैम, रैम है 4.00 GB की, ठीक है, और ये इसका प्रोसेसर है 2.00 GHz का, जो स्पीड होती है कंप्यूटर की i3 5005U CPU 2.00 GHz का है, और रैम जो है इसमें 4 GB की है। अब देखो, रैम का काम होता है हमारे कंप्यूटर में जो भी प्रोग्राम स्टोर होता है ना, ये रोम के साथ, रोम में एक कोड लिखा होता है, रोम एक कमांड देती है रैम को कि ये हार्ड डिस्क में से एक प्रोग्राम को उठाए और अपने अंदर लेके आए और हमें स्क्रीन के ऊपर दिखाए। ये रैम का काम होता है, ठीक है, यानी कि रोम बोलती है रैम को कि जब भी कोई यूजर एप्लीकेशन ओपन करे तो रैम क्या करती है, उस एप्लीकेशन को हार्ड डिस्क में से उठाती है और अपने अंदर लेके आती है, ठीक है, और हमें स्क्रीन के ऊपर दिखाती है। ये काम होता है रैम का, और रैम और रोम होती है हमारी प्राइमरी मेमोरीज, जबकि हार्ड डिस्क जो होती है जहाँ पे हमारे प्रोग्राम स्टोर होते हैं वो होती है हमारी सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। अब चलते हैं अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर। डिफाइन मेमोरी, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेमोरी। मेमोरी इज ए स्टोरेज मीडिया वेयर द डाटा स्टोर फॉर फ्यूचर यूज। अब मेमोरी क्या है, एक स्टोर करने का माध्यम है जहाँ पे डाटा को हम स्टोर करके रख सकते हैं भविष्य में इस्तेमाल के लिए। कंप्यूटर मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू ए लार्ज नंबर ऑफ पार्ट्स। कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है वो डिवाइड की होती है, यानी कि बांटी गई होती है बहुत सारे पार्ट्स में, जैसे मैंने अभी दिखाया ना सी डी ई एफ, है ना, उस पार्ट्स में। एंड दीज पार्ट्स आर कॉल्ड सेल्स और मेमोरी लोकेशंस, ठीक है। और मेमोरी की जो पार्ट्स बने होते हैं उन पार्ट्स को डिवाइड किया होता है सेल्स में और मेमोरी लोकेशन में। इन चीजों को आप बड़ी क्लास में आके समझ जाओगे, ठीक है। सेल्स क्या होते हैं, मेमोरी लोकेशंस क्या होती हैं। फिलहाल तो आपने ये समझना है कि मेमोरी जो है डाटा को स्टोर करने का एक माध्यम है जहाँ पे हम डाटा को भविष्य में स्टोर करके रख सकते हैं, जब कभी भी जरूरत पड़े तो हम उसको यूज कर सकें, ठीक है। और ये मेमोरी जो होती है वो दो तरह की होती है, एक प्राइमरी होती है, एक प्राथमिक मेमोरी होती है, और दूसरी द्वितीयक मेमोरी होती है, दूसरे टाइप वाली जो मेमोरीज होती हैं। अब सबसे पहले आती है प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज मेन मेमोरी और इंटरनल मेमोरी। अब प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी भी और इंटरनल मेमोरी के नाम से जाना जाता है। That is in direct contact with CPU, जो कि CPU के सीधा संपर्क में होती है, ठीक है। Primary memory is also known as primary memory. Primary memory को main memory के नाम से भी या internal या आंतरिक memory के नाम से भी जाना जाता है। That is in direct contact with CPU, जो कि सीधा CPU के संपर्क में होती है, सीधा processor के संपर्क में होती है, ठीक है। जैसा मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था ना डायग्राम में, ये यहाँ पे ये देखो, ठीक है, ये है देखो रैम,
ठीक है, ये रैम जो होती है ना सीधा सीपीयू इसके संपर्क में होती है, सीपीयू के संपर्क में, ठीक है, इसके अंदर होता है ये बड़ा जो प्रोसेसर है, ठीक है, ये सीधा सीपीयू के संपर्क में होती है, क्योंकि जब भी कंप्यूटर ऑन होता है ना तो प्रोग्राम, आप तो पता है जैसे हम मोबाइल फोन ऑन करते हैं, कंप्यूटर ऑन करते हैं, तो ऑन करते ही डेस्कटॉप जो है सामने आ जाता है हमारे, है ना, तो वो डेस्कटॉप जो दिखाई देता है रैम के अंदर आता है वो पहले, ठीक है, रैम के अंदर खुलता है फिर वो हमें स्क्रीन के ऊपर दिखाता है, तो रैम जो है हमारा सीधा सीपीयू के संपर्क में होती है, ठीक है। इट्स कंटेंट्स कैन बी डायरेक्टली एग्जीक्यूटेड बाय सीपीयू। अब सीपीयू जो होता है इसके अंदर जो भी कंटेंट होते हैं उनको सीधा एग्जीक्यूट करता है ये, ठीक है। प्राइमरी मेमरीज ऑफ टू टाइप ऑफ प्राइमरी मेमरीज होती है, वो दो तरह की होती है, रैम एंड रोम। तो रैम भी थी वहां पे, रोम भी थी, ठीक है। अब बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी की। सेकेंडरी मेमोरी इज ए परमानेंट स्टोरेज मेमोरी। अब जो सेकेंडरी मेमोरी है ना वो परमानेंट डाटा को स्टोर करने वाली मेमोरी होती है, ठीक है, जबकि ये जो प्राइमरी मेमोरी है ना, जबकि ये जो प्राइमरी मेमोरी होती है ये परमानेंट स्टोरेज का माध्यम नहीं होती है, रैम में परमानेंट स्टोरेज नहीं होती, जबकि रोम के अंदर जो कोड लिखा होता है वो परमानेंट होता है, रैम में एक टेम्परेरी मेमोरी होती है, ठीक है। जैसे कंप्यूटर या मोबाइल फोन हम बंद करते हैं तो रैम की जो चीजें होती है वो मेमोरी कार्ड के अंदर या इंटरनल मेमोरी के अंदर चली जाती है, और कंप्यूटर में रैम, जब जैसे हम कंप्यूटर को बंद करते हैं तो रैम के अंदर की सारी चीजें जो होती हैं वो हार्ड डिस्क के ऊपर चली जाती हैं, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी इज ए परमानेंट स्टोरेज मेमोरी दैट स्टोर डाटा फॉर फ्यूचर यूज एंड इट इज नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद सीपीयू, और ये सीधा सीपीयू के संपर्क में नहीं होती है, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी एक डाटा को स्टोर करने का परमानेंट एक माध्यम है दैट स्टोर डाटा फॉर फ्यूचर यूज, जो डाटा को भविष्य में इस्तेमाल करने के लिए स्टोर करके रखता है, एंड इट इज नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद सीपीयू, और ये सीधा सीपीयू के संपर्क में नहीं होती है, ये सीपीयू के संपर्क में नहीं होती सीधा। इट्स कंटेंट्स आर नॉट लॉस्ट, उसके जो कंटेंट होते हैं वो खत्म नहीं होते हैं व्हेन वी स्विच ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, जब हम कंप्यूटर सिस्टम को बंद करते हैं, ठीक है। जो सेकेंडरी मेमोरी थी उसके बीच में का जो डाटा होता है ना वो खत्म नहीं होता जैसे हम कंप्यूटर को बंद करते हैं, क्योंकि जैसे ही हम अगले दिन कंप्यूटर ऑन करें तो एकदम से वो सारी चीजें वैसे ही आ जाती हैं ना, इनकी वो सेकेंडरी मेमोरी के अंदर होती है, हमारी परमानेंट स्टोर होती है। और मोबाइल फोन के साथ भी सेम वैसे ही सिस्टम है, मोबाइल फोन को भी आप लोग बंद कर दो, ठीक है, रैम के अंदर जो चीजें होगी वो तो बंद हो जाएंगी, लेकिन जो इसकी इंटरनल मेमोरी में है वो उसके अंदर परमानेंट रहेंगी, ठीक है। तो जैसे ही हम फोन या कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो हमारी जो रैम होती है ना, रैम वो प्रोग्राम को हमारी इंटरनल मेमोरी में से उठाती है और उसको अपने अंदर लेके आती है और हमें स्क्रीन के ऊपर दिखाती है, ठीक है। सम सेकेंडरी मेमोरीज आर, अब कुछ एक जो सेकेंडरी मेमोरीज हैं जैसे सीडी है, डीवीडी है, हार्ड डिस्क है, पेन ड्राइव है, फ्लॉपी है, तो ये सारी की सारी जो होती है हमारी सेकेंडरी मेमोरीज होती है, रैम और रोम प्राइमरी मेमोरी और सीडी डीवीडी हार्ड डिस्क पेन ड्राइव होती हैं, या इसके अलावा और भी कई मेमोरीज है, ब्लू रे डीवीडी भी है, वीसीडी भी है ना, तो वो सारी की सारी आती है हमारी सेकेंडरी मेमोरी के अंदर। अब देखो एक क्वेश्चन आता है पेपर में कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में क्या अंतर है। अब देखो सबसे पहले तो प्राइमरी मेमोरी, इट इज एन इंटरनल मेमोरी, ये जो होती है प्राइमरी मेमोरी एक आंतरिक मेमोरी है, ठीक है, अंदर लगी होती है कंप्यूटर के अंदर, जबकि सेकेंडरी मेमोरी इट कैन बी अटैच्ड टू ए कंप्यूटर व्हेनेवर नीडेड, ये कंप्यूटर के साथ अटैच की जा सकती है, जोड़ी जा सकती है जब भी, व्हेनेवर नीडेड, जब भी हमें जरूरत पड़ती है, ठीक है। इट इज इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद सीपीयू, जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो सीपीयू के सीधा संपर्क में होती है, जबकि जो सेकेंडरी मेमोरी होती है इट इज नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद सीपीयू, ये सीपीयू के सीधा संपर्क में नहीं होती हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने अभी दिखाया था ना, रैम और रोम जो सीपीयू के सीधा संपर्क में रहती हैं ये, ठीक है, जबकि सेकेंडरी मेमोरी सीपीयू के संपर्क में नहीं होती सीधा। अब देखो बात करते हैं इनकी कॉस्ट की, यानी कि इनकी लागत की, इनकी कीमत की। इट इज क्वाइट कॉस्टली, जो प्राइमरी मेमोरीज होती है वो बहुत ज्यादा महंगी होती है, जबकि जो सेकेंडरी मेमोरी होती है इट इज चीप, ये बहुत ही ज्यादा सस्ती होती है। अब फोर्थ पॉइंट है, इट्स स्टोरेज कैपेसिटी इज स्मॉल, अब इसकी जो डाटा को स्टोर करने की जो क्षमता है, कैपेसिटी है, वो बहुत ही कम होती है, जबकि सेकेंडरी मेमोरी की इट्स स्टोरेज कैपेसिटी इज वेरी लार्ज, जबकि सेकेंडरी मेमोरी की डाटा को स्टोर करने की जो क्षमता होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है।
ठीक है। अब पांचवा पॉइंट फास्ट मेमोरी, ये एक बहुत ही तेज मेमोरी होती है, फास्ट काम करती है हमारी प्राइमरी मेमोरीज, ठीक है। इट इज स्लो मेमोरी एज कम्पेयर टू प्राइमरी मेमोरी, जबकि जो सेकेंडरी मेमोरीज होती हैं वो स्लो मेमोरीज होती हैं एज कम्पेयर टू प्राइमरी मेमोरीज, प्राइमरी मेमोरी की तुलना में, एज कम्पेयर टू प्राइमरी मेमोरी, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी की तुलना में ये जो सेकेंडरी मेमोरीज होती हैं वो स्लो होती हैं, स्लो काम करती हैं, धीरे काम करती हैं। तो ये था डिफरेंस। अब देखो, अब जो मेन मेमोरी है ना, उनके बारे में पूरा का पूरा डिटेल में दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, डिफाइन मेन मेमोरी और प्राइमरी में प्राइमरी मेमोरी। मेन मेमोरी इज ऑफ टू टाइप। अब जो मेन मेमोरी या इंटरनल मेमोरी बोलते हैं इसको, वो दो तरह की होती है, एक रैम होती है और रोम होती है। अब देखना रैम और रोम का क्या काम होता है यहाँ, ठीक है। जैसे मैंने बताया था ना कि रैम का काम होता है कि रोम क्या करती है, इसके अंदर एक कोड लिखा होता है ना, वो हार्ड डिस्क में से प्रोग्राम को उठाता है और रैम में लेके आता है, और रैम हमें स्क्रीन के ऊपर दिखाती है। चलो शुरू करते हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी दैट इज इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद सीपीयू। रैम जो होती है उसकी जो फुल फॉर्म है वो है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम का मतलब कहीं से भी किसी भी चीज को एक्सेस करना, चला देना वाली मेमोरी, ठीक है। ये रैम का काम होता है, रैंडम तम बोलते हैं क्योंकि रैंडम, रैंडमली मतलब कहीं से भी उठा के किसी भी जगह से, जरूरी नहीं कि 1 2 3 4 5 में से ही चलना है इसने, इस तरह से चलना है, नहीं, ये 5 भी उठा सकती है, 1 भी उठा सकती है, मतलब कहीं से भी कोई भी गाना भी उठाना, कोई पिक्चर उठानी, कोई वीडियो उठानी, कोई प्रोग्राम उठाना। तो रैम का जो नाम है उसी के आधार पर रखा गया, क्योंकि ये किसी भी प्रोग्राम को कहीं से भी उठा लेती है, ठीक है। रैंडम एक्सेस मेमोरी दैट इज इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद सीपीयू, जो कि सीपीयू के यानी कि प्रोसेसर के सीधा संपर्क में होती है। RAM is a read write memory. RAM जो होती है एक वो read करने वाली भी, यानी कि पढ़ने वाली भी और लिखने वाली memory भी होती है, ठीक है। कंप्यूटर दिखते हैं ना, फोन के अंदर messages वगैरह टाइप करते हैं उसको बोलते हैं हम, पढ़ते हैं ना जब हम read करते हैं, open करते हैं उसको read बोल देते हैं, जब लिखते हैं तो उसको write बोल देते हैं, यानी कि ये काम RAM के अंदर होते हैं ना सारे के सारे काम। तो RAM के अंदर ये सारे काम होते हैं, जैसे ही हम कोई भी काम करते हैं फोन में मैसेज टाइप करना, वो RAM के अंदर चल रहे होते हैं सारे काम, टेम्प्रेरी काम, सारे टेम्प्रेरी काम रैम के अंदर होते हैं। जैसे बंद कर देते हैं सारे चीजें जो भी काम है वो हार्ड डिस्क के अंदर चले जाते हैं, मेमोरी कार्ड के अंदर चले जाते हैं। रैम जो है रीड राइट दोनों काम कर सकती है, लिखने वाला भी और पढ़ने वाला भी। वेयर ऑल कंप्यूटर टास्क परफॉर्म, जहाँ पे कंप्यूटर के सारे काम होते हैं। इट इज वोलेटाइल इन नेचर, बोल रहे हैं कि ये स्वभाव में जो होती है वो चंचल होती है। अब चंचल कैसे होती है कि मीन्स, कहने का मतलब है, अर्थ है, इट लॉस द डाटा, ये डाटा को खो देती है व्हेन वी पावर ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। जैसा कि मैंने बताया था ना कि जैसे हम कंप्यूटर सिस्टम को बंद करते हैं तो रैम के अंदर जो कुछ भी होता है वो खत्म हो जाता है, क्लियर हो जाती है, साफ हो जाती है, ठीक है। इट्स स्टोरेज कैपेसिटी इज लिमिटेड, अब इसकी जो डाटा को स्टोर करने की जो क्षमता होती है वो बहुत ही सीमित होती है, जैसे कि 512 MB, 1 GB, 2 GB, 4 GB और 8 GB। अब ये जीबी क्या होते हैं, एमबी क्या होते हैं, ये आगे आपको डिटेल में समझाऊंगा मैं। ये मेमोरी की, मेमोरी को मापने वाली एक मेजरमेंट, एक यूनिट होती है, ठीक है। ये चीजें भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल तो ये चीजें थोड़ा बहुत शायद आपको पता हो कि 512 MB कम होते हैं, जीबी ज्यादा होता है, ठीक है। 1024 MB को जोड़ के 1 GB बनता है, ठीक है, 1024 GB को जोड़ के 1 TB बनता है। उस तरह से है ये कि 1 GB, 2 GB, 4 GB और 8 GB में होती है ये रैम। रैम इज ऑफ टू टाइप, ये भी दो तरह की होती है, एस रैम होती है, स्टैटिक रैम होती है और डायनेमिक रैम होती है। इसके बारे में डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो रैम के बारे में इतना पता होना चाहिए आपको, कंप्यूटर के और मोबाइल फोन के जितने भी सारे काम होते हैं, टेम्प्रेरी काम होते हैं, वो रैम के अंदर हो रहे होते हैं, ठीक है। जितना बड़ा प्रोग्राम होगा उतनी ज्यादा हमें रैम की जरूरत पड़ती है, बस ये है। मान लो हमने 10 प्रोग्राम ओपन करने हैं और वो भी 1 GB के, तो उसके लिए 8 GB रैम चाहिए, ठीक है। तो रैम वाला कॉन्सेप्ट जो है वो आगे भी थोड़ा बहुत रह जाएगा, तो वो क्लियर करवा दूंगा, वैसे क्लियर हो गया। अब बात करते हैं रोम की, रीड ओनली मेमोरी। रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी, सिर्फ ये रीड करती है। अब देखो रैम दोनों काम करती है, रीड भी और राइट का भी, पढ़ने का भी और लिखने का भी, जबकि रोम रीड ओनली मेमोरी होती है, सिर्फ ये पढ़ने का काम करती है ये, ठीक है। इसके अंदर प्रोग्राम जो होता है, इसके अंदर जो चीजें लिखी होती है ना उनको सिर्फ हम पढ़ सकते हैं, इसके अंदर स्टोर नहीं कर सकते हैं रोम के अंदर।
दैट इज नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद सीपीयू, जो कि सीपीयू के सीधा संपर्क में नहीं होती है। अब देखो ना, रोम जो होती है वो सीपीयू के सीधा संपर्क में नहीं होती, जबकि रैम जो है वो सीपीयू के सीधा संपर्क में होती है। इट इज नॉन वोलेटाइल इन नेचर, ये जो स्वभाव में चंचल नहीं होती है। अब देखो कैसे नहीं होती है चंचल, मीन्स कहने का मतलब है इट डज नॉट लॉस्ट द डाटा बैंक द पावर ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। कहने का मतलब है कि इसमें डाटा जो होता है वो खत्म नहीं होता है व्हेन बी पावर ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, जब हम कंप्यूटर सिस्टम की पावर को ऑफ करते हैं, ठीक है। जबकि रैम में क्या होता है, जैसे हम पावर ऑफ करते हैं तो इसका डाटा खत्म हो जाता है, इसमें डाटा खत्म नहीं होता है रोम का। रोम कंटेन एन इनिशियल प्रोग्राम, बोल रहे हैं कि रोम के अंदर एक इनिशियल मतलब प्रारंभिक प्रोग्राम होता है, दैट इज कॉल्ड बूटस्ट्रैप लोडर। उस प्रोग्राम का नाम होता है बूटस्ट्रैप लोडर, प्रोग्राम का नाम है बूटस्ट्रैप लोडर। आप देखो इसका काम क्या होता है बूटस्ट्रैप। ये बोल रहा था मैं कि रोम के अंदर एक रोम के अंदर एक प्रोग्राम होता है, उसका नाम है बूटस्ट्रैप लोडर। अब इसका काम क्या होता है, देखो बूटस्ट्रैप लोडर का, अ बूटस्ट्रैप लोडर इज द प्रोग्राम दैट स्टार्ट द ऑपरेटिंग सिस्टम व्हेन बी पावर ऑन द कंप्यूटर सिस्टम। अब बूटस्ट्रैप लोडर जो होता है एक प्रोग्राम होता है जो स्टार्ट हो जाता है, जब जो स्टार्ट करता है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को, जैसे हम कंप्यूटर को पावर ऑन करते हैं। बूटस्ट्रैप लोडर इज ए प्रोग्राम, एक प्रोग्राम है दैट स्टार्ट द ऑपरेटिंग सिस्टम, जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर हमारी एप्स चलती हैं, ठीक है। कन्फ्यूज नहीं होना है ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ऑपरेटिंग सिस्टम वो होता है जो हमारे पूरे के पूरे सिस्टम को ऑपरेट करता है। जैसे मोबाइल फोन में भी सबसे पहले क्या होता है, एक बड़ा सॉफ्टवेयर डलता है जिसका नाम एंड्रॉयड है। उसके अंदर आप लोग ऐप चलाते हो, व्हाट्सएप चलाते हो, फेसबुक चलाते हो, कुछ भी चलाते हो, आप गाने वाली ऐपें चलाते हो, है ना। यानी कि उनको चलाने से पहले एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर डलता है, उसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। बूटस्ट्रैप लोडर इज ए प्रोग्राम, एक प्रोग्राम है दैट स्टार्ट द ऑपरेटिंग सिस्टम, जो उस ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करता है जब हम कंप्यूटर को पावर ऑन करते हैं। व्हेन वी पावर ऑन द कंप्यूटर सिस्टम, जब हम पावर ऑन करते हैं कंप्यूटर सिस्टम, इट लोड्स अ पोर्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम हार्ड डिस्क टू मेन मेमोरी। ये आई वो चीज, ठीक है। इट लोड अ पोर्शन ऑफ, ये क्या करता है, एक पार्ट जो होता है ना ऑपरेटिंग सिस्टम का, उसको लोड करता है हार्ड डिस्क में से, फ्रॉम हार्ड डिस्क में से टू मेन मेमोरी, मेन मेमोरी रैम के अंदर, ठीक है। ये क्या करता है कि एक पोर्शन उठाता है ना इस ऑपरेटिंग सिस्टम का, ये जो बूटस्ट्रैप लोडर होता है एक पार्ट उठाता है, वो होता है कहाँ पे, ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क के अंदर ही होता है हमारा, ठीक है ना, वहां पे स्टोर होता है, वहां से उठाता है और उसको रैम के अंदर लेके आता है। एंड ट्रांसफर द कंट्रोल टू द ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके भी सारा का सारा कंट्रोल जो होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का हो जाता है। फिर बाद में आप चाहे ऐप पैन डालो, चाहे जो मर्जी डालो, जो मर्जी करो। रोम कैन बी क्लासिफाइड एज, रोम की भी क्लासिफिकेशन की हुई है, इसको भी वर्गीकृत किया हुआ है एज प्रोम, इसकी भी टाइप्स हैं, इसको इसकी फॉर्म होती है इनकी, वो नेक्स्ट आ जाएगी आपको नेक्स्ट क्लास में, अभी तो थोड़ा बहुत दिया हुआ है यहाँ पे ना। प्रोम होता है प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, अल्ट्रा वॉयलेट इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, ई प्रोम होती है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, ई टू प्रोम इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, ठीक है। ये रोम की टाइप्स हैं। तो आज के लिए हमारा जो कॉन्सेप्ट था इतना ही काफी था, कल फिर हम नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे। तब तक आप सभी घर पर रहें, सुरक्षित रहें, और जो भी मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूं उनको याद करते रहें, ठीक है। जय हिंद, जय हिमाचल।